हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मूजो पत्रकार। और एक बार फिर हाजिर है हम आप लोग के सामने पोस्ट मैच एनालिसिस को लेकर। तो हम सभी ने देखा कि कितना तो जैसा कि हम सभी ने देखा कितना बेहतरीन मैच रहा दोनों ही जो टीम्स थी उनके बीच में। और जैसे कि हमने कहा था, एनर्जी की बात की थी, गेम की बात की थी, कंपटीशन की बात की थी और प्रेशर की बात की थी, वो सब कुछ हमें देखने को मिला है ग्राउंड पे, मैच पे। और नतीजा ये निकला है कि 2-0 से मोहन बगान जीत चुकी है। तो हम वापस से इंद्रनील सर और संजय सर को इन्वाइट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं आज के मैच के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का एक बार फिर से मैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग दोनों लोगों को। सो फाइनली प्रेडिक्शंस पे आते हैं। तो आप लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था, मैंने कहा था कॉन्टेस्ट में आप ही लोग जीत जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रिडिक्शन हुई है उसमें आप दोनों ही सबसे आगे चल रहे हैं। आपने कहा था 2-1 से मोहन बगान, तो 2-0 से मोहन बगान आगे है। तो सबसे पहले तो मैच के एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। संजय सर, आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा आपको मैच लगा? इस बंगाल की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मोहन बगान की परफॉर्मेंस कैसी लगी? कैसा मैच रहा आज का? मैच बहुत ही शानदार मैच था। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। नॉर्मली जो प्रेशर मैच जो हम लोग नॉर्मली आमतौर पे देखते हैं ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के मैचेस में, थोड़ा सा मैचेस थोड़ा सा रफ हो जाता है। शुरू में एक पैनिक रहता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं प्लेयर्स को सेटल होने में, पर वो चीज़ दिखी नहीं। और मेरे ख्याल से दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट देर वर नो स्पेक्टेटर। दैट इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन। यस, तो मैच वॉज वेरी गुड। इट वॉज ए फ्री फ्लोइंग मैच। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन मतलब खेल का मुजाहरा किया। बहुत ही अच्छा गेम था। हालांकि मोहन बगान ने जितने भी चांसेस मिले उसमें से दो चांसेस जो मिले उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया और ईस्ट बंगाल ने कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो दोनों में नहीं कर पाए, डिफरेंस वही था। अदरवाइज इट बिल्कुल वॉज बिल्कुल। वेरी गुड मैच। मोहन बगान का वंस अगेन एज आई सेड अर्लियर की प्लेयर रॉय कृष्णा, उसने स्कोर किया। उसने उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको स्कोर किया। एंड इफ ए प्लेयर लाइक रॉय कृष्णा इज बिंग गिवन हाफ ए यार्ड स्पेस, यू नो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू यू नो टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट काइंड। सो रॉय कृष्णा एंड देन द सेकेंड गोल बाई मनवीर सिंह, दैट वॉज मनवीर फैबुलस, दैट वॉज एक्सलेंट। मनवीर अमेजिंग सिंह ने गोल अपना सर। पेस, अपना जो पंजाब का जो स्ट्रेंथ है, पेस है, वो उसने पूरा दिखाया और ही गॉट दैट गोल फॉर हिज टीम। दैट वॉज वेरी वेरी गुड गोल जो कि लीड को और बेहतर कर दिया मोहन बगान के लिए, और वहां से ईस्ट बंगाल के लिए वापस आना मैच में काफी मुश्किल था। मुश्किल हो गया था बिल्कुल। यस इंद्रनी सर, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? एक्साइटमेंट थी वो था, काफी सारे लोग एक्साइटेड थे, प्रेशर भी था और रिजल्ट तो वही निकला जो आप लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी मैच एनालिसिस के लिए क्या बोलेंगे आज के मैच? रिजल्ट वही निकला जो हम तीनों ने कहा, और दो शब्दों में पैसा वसूल। डेफिनेटली पैसा वसूल मैच था। वो जो एनर्जी, वो जो चीज चाहते थे वो उसमें थी। सो जो प्लेयर्स आपने बोले थे सर, उसमें से गोलकीपर देवजीत मजूमदार की बात करते हैं, उनका आज का परफॉर्मेंस बहुत तारीफ के काबिल था। जो उनका रिफ्लेक्स एक्शन था जिसको उन्होंने एक गोल रोका, वो तो सभी ने देखा है और वहां से समझ में आ गया कि उस प्लेयर की कितनी अहमियत है उस टीम में। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर देवजीत की बात कर रहे हैं तो देवजीत ने एक अच्छा सेव तो दिया था, और पूरे मैच में ईस्ट बंगाल ने, अगर स्टैट्स की बात करेंगे तो ईस्ट बंगाल ने डोमिनेट किया है मैच में इन टर्म्स ऑफ गोल्स, शॉट ऑन टारगेट और बॉल पोजीशन और नंबर ऑफ करेक्ट पासेस, बट वो ये सब माने नहीं रखता। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए काउंट करता है कि मैच का स्कोर क्या था, और जो कि वो 3 है वो मोहन बगान लेके चली गई। तो मोहन बगान को कम चांसेस मिले, लेकिन जो चांसेस मिले, 4 चांसेस में से शॉट्स ऑन टारगेट्स में से 2 उन्होंने गोल में कन्वर्ट किया। तो दैट इज द मेन थिंग। एंड इफ आई विल बी पर्सनली टॉकिंग अबाउट देवजीत, ही इज अ एक्सपीरियंस कैंपेनर। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, ISL में भी उस तरह का कीपर, उस लेवल का कीपर ने जो उनको स्टार्टिंग में एक दो सेव देने थे उन्होंने दिए, लेकिन वही अगर
पैर के 20 से पहला गोल जो अगर की बात करें, पैर के 20 से अगर डिफेंडर के चला जाए और अच्छा खासा उस शॉट में पावर हो तो अच्छे से अच्छा गोलकीपर भी कुछ कर नहीं सकता, चाहे पहले गोल की बात करें चाहे दूसरे गोल की बात करें। दोनों गोल में ऐसा ही था कि सेकंड गोल में तो ये भी था कि खिलाड़ी ने खुद शॉट लेने से पहले मनवीर सिंह ने देखा अगर कोई साथी खिलाड़ी मेरा हो तो मैं क्रॉस डालूं, मैं उसको माइनस, बिल्कुल लेकिन कुछ उनको बिल्कुल मिला नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने यही डिसाइड किया कि लेट मी टेक द शॉट, और उन्होंने एंड किया, लकीली उन्होंने वो शॉट लिया एंड इट वाज बैंग ऑन टारगेट। डेफिनेटली। संजय सर, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ किसमें गेम ज्यादा देखने को मिला, प्लानिंग ज्यादा मिली आपको? वैसे तो क्लियर है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आप फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में पॉइंट आउट करना चाहेंगे? ईस्ट बंगाल बेसिकली दे वर प्लेइंग 4-2-3-1, ठीक है, और 4-2-3-1 बट इट वॉज फ्लैट बैक बैक थ्री एट द बैक, मतलब पीछे जो वो तीन प्लेयर्स थे वहां पे, जो नारायण दास था वो काफी ऊपर था, तो दो इट वॉज इन्वर्टेड बैक नारायण दास, बट 4-2-3-1 बेसिकली वे लोग खेल रहे थे। काफी फ्री फ्लोइंग गेम था। आपका जो विलियम सॉरी टिकिंग टंग जो नंबर 22 था उन लोगों का, काफी अच्छा स्ट्राइकर, ही वॉज प्लेइंग एज फॉरवर्ड नंबर 9, काफी अच्छा वो बॉल होल्ड कर रहे थे और उसका सपोर्ट भी उसने जो जे मैगन जो नंबर जर्सी नंबर 19 जो पहने हुए थे वो काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। और सूर्यचंद्र, मैं सूर्यचंद्र ये जो जो राइट विंगर जो खेल रहे थे 29 जर्सी नंबर, ही इज वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, यू नो ही वॉज गेटिंग ऑल दोज क्रॉसेस, गोइंग इन टू द बॉक्सेस, इन टू द डीप बॉक्सेस, जो डेंजर जोन है वहां पे क्रॉसेस वगैरह, और काफी पेसी भी थे और अपने डिफेंसिव ड्यूटी भी काफी अच्छी निभा रहे थे फर्स्ट हाफ में। एंड बलवंत सिंह थोड़ा डिसअपॉइंटेड, मैं थोड़ा मुझको थोड़ा लगा बलवंत सिंह से मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था, बलवंत सिंह वॉजेंट अप टू द मार्क। अदरवाइज जो डिफेंस है राणा घरामी, एस नेविल, डी फॉक्स काफी कॉम्पैक्ट था, इस बंगाल का स्पेस एकदम इन बिटवीन द लाइन स्पेस नहीं दे रहे थे टू स्टार्ट विथ, काफी अच्छा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे थे। मोहन बगान की अगर मैं बात करूँ तो मोहन बगान स्टार्टेड विथ 3-5-2 बट वो अटैकिंग था, बट डिफेंसिवली आपका जो दो विंग बैक जो था, मतलब जो दो मिडफील्डर्स जो थे साइड में, आपका जो राइट का जो मिडफील्डर प्रवीण दास और लेफ्ट में जो आपका एस बोस सुभाषित बोस, ये दोनों आपका नीचे आ जा रहे थे, तो इट वॉज डिफेंसिव शेप ऑलमोस्ट, इट वॉज लाइक 5-3-2, तो डिफेंसिव शेप 5-3-2 था और अटैकिंग में आप लोग 3-5-2, एवरी नाउ एंड देन सुभाषित बोस एंड प्रवीत दास कैन बी सीन गोइंग फॉर ओवरलैपिंग रन एंड देवर पुटिंग ऑल दिस क्रॉसेस इन। प्रवीत दास ने बहुत अच्छा खेला आज, हालांकि जो क्रॉसेस के लिए वे जाने जाते आज वैसे क्रॉसेस नहीं मिले, बट गेम परफॉर्मेंस फिर भी ठीक था। और ये मोहन बागान की डिफेंस लाइन भी अगर आप देखें तो काफी कॉम्पैक्ट थी, डिफेंस डिफेंसिवली काफी कॉम्पैक्ट थी और अटैकिंग में काफी फ्लूडिटी थी। विलियम का रोल जो है नंबर 9, जो विलियम जो खेल रहे थे वो काफी डीप आके बॉल रिसीव कर रहे थे, मतलब विलियम हैड मोर ऑफ ए फ्री रोल। 2-3-5-2 में बेसिकली जो फॉर्मेशन में दिखाया गया रॉय वॉज कंबाइनिंग विद विलियम, बट इफ यू सी रॉय वॉज देयर अप फ्रंट बट विलियम वॉज कमिंग डाउन वे डाउन एंड यू नो असिस्टिंग हिज डिफेंडर, हेल्पिंग हिज डिफेंडर आउट, एट द सेम टाइम ही वॉज यू नो ट्राइंग टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। तो विलियम का रोल मैं देख रहा था पूरे फील्ड में, विलियम कैन बी सीन इन द एंटायर फील्ड। सेम गोज विद नंबर 19 और जावी हर्नांडिस, ही इज वेरी गुड प्लेयर, ही कैन बी सीन यू नो गोइंग फॉर ऑल दोस कॉर्नर किक, कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, जो सेट पीस स्पेशलिस्ट है, और जावी हर्नांडिस गेम को क्रिएट कर रहे थे। तो नीचे से जावी हर्नांडिस और ऊपर से विलियम और रॉय कृष्णा, ये दोनों की जो जोड़ी है ये काफी अच्छा मतलब प्रूफ हो रही थी मोहन बगान के लिए थ्रू आउट द मैच। और जो कमाल जो करके दिखाया रॉय कृष्णा ने और मनवीर ने, वही गेम का जो है वो मैच बदल दिया। बिल्कुल, जो एक की मोमेंट कहते हैं वो यही दो प्लेयर्स ने लाके दिया, मनवीर सिंह और रॉय कृष्णा ने। और जैसा कि हमने पहले भी जब हम प्री एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे भी ये बात की गई थी कि डेविड विलियम और रॉय कृष्णा की जो जोड़ी है वो आज बेहतरीन काम करेगी, और वो हुआ है, उन्होंने वो चीज संभाली है। सर हमने पहले इंद्रनील सर हमने पहले कुछ की प्लेयर्स की बात की थी, और अब जब मैच हो चुका है तो वो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे दोनों ही टीम के जो नजर आ रहे थे जिन्होंने गेम खेली है, चाहे मैच मोहन बगान लेके गई पर
फिर भी वो प्लेयर्स जिनका गेम देखने में मजा आया आज। देखिए, अगर हम शुरू से बात करेंगे तो हम गोलकीपर से बात करते हैं, मोहन बगान के अरिंदम भट्टाचार्य। फिर से एक बार दो सेव उसने बहुत अच्छे दिए हैं, और जैसा उनसे उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही अपना खेल दिखाया। देन डिफेंस में भले प्रीतम कोटाक को एक येलो कार्ड मिल गया हो, लेकिन देन टीरी, संदेश जिंगन, प्रवीर दास, ये चारों डिफेंस जो है, नो डाउट दे वेर प्लेइंग जस्ट अ कॉम्पैक्ट डिफेंस, जैसा कि संजय बिल्कुल बोला। और देन हमारे सॉरी मिडफील्डर्स में अगर बात करें, हमें एक खिलाड़ी का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, दैट इज जेवियर हर्नांडिस, एंड देन प्रवीर दास, सॉरी प्रवीर दास कह रहे हैं, जयेश रानी। तो जय ये शानी। दो खिलाड़ी मुझे, हाँ ये दो खिलाड़ी मुझे दिखे कि दे वेर गिविंग गुड फाइट टू द ओपोनेंट मिडफील्डर्स। और एक चीज पे मैं ध्यान देने की बात है कि मुझे दिखा, मतलब लास्ट मैं फाइव एनकाउंटर्स की बात करूं ईस्ट बंगाल मोहनबगान के बीच, तो जो फॉर्मेशंस मैंने देखे इनका था, सर ने बोला और स्टैट्स शो भी कर रहा है कि 4-2-3-1 है आपका ईस्ट बंगाल का, एटी के मोहन बगान का है 3-5-2। तो एक टॉप क्लास टीम के अगेंस्ट एक टॉप क्लास टीम का 4-2-3-1 इज एन अटैकिंग फॉर्मेशन, वेयर एज 3-5 एक बैलेंस रहता है, लेकिन डिफेंस तीन रहती है। हालांकि उनको सपोर्ट करने के लिए उनके मिडफील्डर्स फाइव में से दो तीन नीचे आते हैं, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन में ये दाद देनी पड़ेगी कि मोहन बगान के टीम को, टीम मैनेजमेंट को, कि ऐसा फॉर्मेशंस में उन लोगों ने मैच खेलने के लिए एटलीस्ट उतरे। और और फॉरवर्ड में नो परफॉर्मेंस भी डाउट, जैसा कि हम लोग प्री मैच एनालिसिस में हमने बात किया, रॉय कृष्णा के बारे में बात किया, तो रॉय कृष्णा ने वो काम, जैसे ही उनको मौका मिला, किया है। उन्होंने कहा कि व्हाई ही इज रॉय कृष्णा। पहले गोल ने ही ये चीज बता दी थी कि पिछले मैच में भी उन्होंने केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में ही गोल किया था। आई थिंक पिछली बार 65 मिनट्स में था और इस बार 48 मिनट्स के आसपास उन्होंने गोल किया बिल्कुल था। एंड दिस इज समथिंग जो काफी इम्प्रेसिव है उनका, कि फर्स्ट गेम में, अगर फर्स्ट हाफ में अगर थोड़े नजर नहीं भी आते तो सेकेंड हाफ में अपनी जगह बनाना जानते हैं रॉय कृष्णा। संजय सर, नेक्स्ट मैच जो ईस्ट बंगाल का है वो मुंबई सिटी एफसी के साथ में है, और आज जो भी उनकी गलतियां रही, क्या सुधार, क्या एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है उनके गेम में? पहला मैच था, डेब्यू किया आज आईएसएल में, तो क्या एक कमी नजर आई एक नई टीम होने के नाते, मतलब आईएसएल के लिए एटलीस्ट? तो क्या चेंजेस कर सकते हैं वो अपने नेक्स्ट मैच? नो, ईस्ट बंगाल इज नथिंग लाइक डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं ईस्ट बंगाल की टीम को। जो परफॉर्मेंस था काफी अच्छा था, पर हालांकि थोड़ा सा लैप्स कहीं कहीं पे मिला, जैसे इंडिविजुअल डिफेंडिंग में, इफ यू गिव यू नो हाफ ए यार्ड स्पेस टू ए प्लेयर लाइक रॉय कृष्णा, तब दिस इज गोइंग टू हैपन टाइम एंड अगेन, यू कांट हेल्प। तो रॉय कृष्णा जैसे प्लेयर को आप इतना स्पेस दोगे, एस नेवल जो मेरे ख्याल से वो ही वॉज देयर, काफी स्पेस दिया हुआ था और उसने प्रेस नहीं किया, ही डिडन क्लोज हिम अप। अगर थोड़ा सा क्लोज करते तो वो शॉट लेने के लायक नहीं रहते, तो वहां पे उसने काफी हद तक कम से कम 2 यार्ड स्पेस दिया उसने, और उसके पैर के बीच से शॉट मार दिया, तो वो स्पेस नहीं देना गया। और नेक्स्ट जो सेकेंड गोल जो मनवीर ने जो गोल किया, उसमें जो नारायण था, नारायण दास, आई थिंक नारायण दास वॉज देयर, उसने कमिट किया वहां पे, क्योंकि आपकी टीम जो पूरी गोल करने के लिए ओपोनेंट की टीम में चली गई है, ओपोनेंट, तो आपको डिफेंस में आपको आपके सिर्फ दो प्लेयर है, तो आपको वहां पे थोड़ा डिले करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कमिटिंग, बिकॉज आपके पीछे और कोई नहीं है। उसने वहां पे कमिट कर दिया, तभी जाके मनवीर को, एंड ही गॉट एकर्स ऑफ लैंड बिहाइंड हिम, सो दैट दैट वॉज क्रूशियल मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज यू नो 1-0 यू आर एनी टाइम यू कैन स्कोर 1 गोल एंड यू आर इन द गेम, बट 2-0 देन इट बिकम्स बिट मोर डिफिकल्ट। तो वहां पे अगर मनवीर को अगर वहां पे कमिट नहीं करते, तो वहां पे शायद मनवीर को रोका जा सकता था, या फिर पूरी टीम को वापस आने में टाइम मिल सकती थी, दे कुड हैव यू नो गॉट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ डिफेंसिवली। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स लाइक विच दे कैन वर्क अपन वर्क ऑन, सो द कोच विल डेफिनेटली गो एंड एड्रेस ऑल दीज कोर इश्यूज। इट्स मोर ऑफ यू नो इंडिविजुअल डिफेंडिंग जो है, एंड टीम डिफेंडिंग, डिफेंडिंग के ऊपर थोड़ा और काम करना है। मोहन बगान ऑन द अदर हैंड, टीरी
संदीप झिंगम एंड पीटम कोटम, दे हैड ए वंडरफुल गेम, दे आर ए ब्रिलियंट गेम। इतना कॉम्पैक्ट थे, दे डिडंट अलाउ ईस्ट बंगाल टू ऑपरेट एंड दे डिडंट लीव एनी स्पेस इन बिटवीन द लाइन, और काफी कॉम्पैक्ट थे। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा सेकेंड बहुत हाफ स्पेशली, डिसिप्लिन गेम होल खेला है उन्होंने, बहुत राइट। डिसिप्लिन था थ्रू आउट 90 मिनट्स। सो इफ यू नो प्लेइंग एंड मेंटेनिंग द शेप एंड हैविंग द डिसिप्लिन फॉर थ्रू आउट 90 मिनट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन एक अगर लैप्स अगर मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो दैट विल कॉस्ट यू द एंटायर मैच। तो मोहन बगान ने जो डिसिप्लिन दिखाई पूरे मैच में, ईस्ट बंगाल ने वो डिसिप्लिन नहीं दिखा पाई, एंड दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन द मैच एक्चुअली। सो आई बिल्कुल, थिंक द कोच विल अयून, एड्रेस दीज इश्यूज। और जो हाँ हाँ कन्वर्शन जो चांसेस थे, लाइक बलवंत, बलवंत गॉट वन गुड चांस बट ही कुडंट एबल टू यू नो प्ले द बॉल इन टू द इन्वेस्ट, कीप द बॉल इन टू द फ्रेम। दैट्स वेरी या इंपॉर्टेंट या इफ यू आर प्लेइंग एज हाँ नंबर 9 और नंबर 10 एज ए फॉरवर्ड, बिल्कुल, व्हेन यू आर गेटिंग ऑल गेटिंग अ बॉल इन इन बिटवीन लाइक द डिफेंडर एंड द गोलकीपर, और 6 यार्ड बॉक्स के अंदर या फिर नियर द विसिनिटी ऑफ द बॉक्स, देन यू आर सपोज टू, यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप द बॉल एटलीस्ट इन द फ्रेमवर्क, सो दैट यू नो गिव योर सेल्फ बिल्कुल, अ चांस। अगर आपने बॉल बाहर डेफिनेटली। मार एंड दिया तो कोई प्लेयर चांस लाइक ही नहीं है। बलवंत सिंह, इफ प्लेयर लाइक बलवंत सिंह इज प्लेइंग लाइक दैट, सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है टीम के लिए। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये जो कुछ कुछ मिस्टेक्स थी वो रह गई, वरना गोल होने के बहुत चांसेस बने थे। ऐसे काफी टाइम ऐसी सिचुएशंस बनती थी जिसमें ईस्ट बंगाल का गोल हो सकता था, बट कहीं ना कहीं ये सारी मिस्टेक्स रही थी। इंद्रनील सर, एक बहुत फेमस खिलाड़ी हमने आज डिजिटली ऑडियंस पे देखे और बड़ी खुशी हुई उन्हें देखकर, और भाईचुंग भूटिया हमें बार बार दिख रहे थे स्क्रीन पे, एक्साइटेड भी थे गेम को लेकर, सारी चीजें थी। अगर हम एक लेजेंड प्लेयर रहे हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं, तो उनका गेम, और कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स का ये कहना था कि ईस्ट बंगाल की हार को देखकर उन्हें फर्क पड़ रहा था, बल्कि वो दोनों टीम से खेल चुके हैं। मोहन बगान भी उन्होंने खेला, ईस्ट बंगाल भी उन्होंने खेला है, तो उनके गेम के बारे में थोड़ी चर्चा की। नहीं, नो डाउट ही इज वन ऑफ द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन फुटबॉल, और ईस्ट बंगाल के लिए उन्होंने ज्यादा समय खेला है, तो आज वो ईस्ट बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे। और स्क्रीन में सरप्राइज पैकेज था कि वो स्क्रीन में उनको दिखाया गया, जबकि वो बेसिकली नॉर्मली जो हमारे फैन फॉलोअर्स हैं उनकी स्क्रीन्स हैं, तो उसमें उनको लाया गया। दैट वाज अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस। और एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी, कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हमारे इंडियन टीम का, उसको आज एकदम बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा। मैं चर्चा करना चाहूंगा, संजय सर लाइन पे हैं, जेजे लाल फेकुला को मौका ही नहीं दिया। तो इट वाज अ क्वाइट अ मतलब जब स्कोर इज 1-0 एंड योर टीम इज नॉट एबल टू स्कोर और गेटिंग द चांसेस विच सपोज टू बी देयर, तो जेजे भी खड़ा होके काफी देर उसने वार्म अप भी किया, और खड़े होके उसको स्क्रीन में वो वेट कर रहा था शायद कि अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, तो ये बड़ा डिसपॉइंटिंग था। जबकि वो इंडियन टीम में भी सुनील छेत्री का के साथ उस पोजीशन को शेयर करता है, जो वाइटल पोजीशन जो एक समय रॉबिन सिंह का रहा करता था। यस, बलवंत वॉज सब्स्टिट्यूटेड इन 64th मिनट बाय रफी। सो या आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग एज इंद्रनील मेंशन, लाइक ही कुड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड एंड इंस्टेड ऑफ रफीक आई थिंक जेजे वुड हैव बीन द वाइजर डिसीजन, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, कोच, एवरी कोच हैज गॉट हिज ओन थिंकिंग, ओन थॉट प्रोसेस, तो उसने लाया नहीं। पर जेजे कितना गेम डेफिनेटली बदल सकता था अगर ऐसा होता, बदल अगर सकता था, उस बट मोमेंट डेफिनेटली पे। कोच, हाँ, पर कोच को ज्यादा पता है हम लोगों से, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, बट द मेन थिंग इज दैट जेजे एक इंजरी से उठा था, अभी हाल ही में उसको इंजरी हुई थी, तो मे बी द कोच वॉज स्केप्टिकल वेदर टू यू नो एक्सपेरिमेंट विद ए इंजोर्ड प्लेयर, और नॉट नॉट इंजोर्ड राइट नाउ, ही माइट हैव रिकवर्ड। और डर्बी मैच में जो रिकवरिंग, इंटेंसिटी रहती है, यस, डर्बी मैच में जो इंटेंसिटी रहती है, उस इंटेंसिटी में जे फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस टेम्परमेंट के साथ मैच करेंगे कि नहीं करेंगे, यही सब सोच के मेरे ख्याल से कोच ने रफीक को खिलाना बेहतर समझा। तो ये अब पता नहीं आप कितना परसेंटेज फिट थे, अगर अगर आप कोई प्लेयर अगर फिट नहीं है तो बेंच में ही आप क्यों लाओगे उसको, तो बेंच में जब है मतलब प्लेयर फुल फिट है, तो डेफिनेटली जे यू नो एक ऑप्शन था जे को आप ला सकते थे इंस्टेड ऑफ रफीक, पर उस टाइम तो चलिए लाना होता चाहिए है। था, जब ये स्कोर एटलीस्ट 70 मिनट्स तक नहीं हुआ और
ओनली 30 मिनट, सॉरी 20 मिनट्स वेयर लेफ्ट, तो उस टाइम जेजे को लाया जा सकता था। वही हम भी सोच रहे थे। कोच की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कोच की वो वहां सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो क्या, वो जो बेस्ट सोच रहे हैं उसी हिसाब से वो काम करेंगे। हम लोग तो एक एनालाइज कर ही सकते हैं कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये खिलाड़ी को आना चाहिए हो था। बट सकता था। अगर रफी को लाया गया और जेजे को नहीं लाया गया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई सॉलिड रीजन रहा होगा कोच का, वो तो उन्हीं के साथ है। और एक बात और भी है कि बॉल पोजीशन की बात करें, शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें, नंबर ऑफ करेक्ट पासेस की बात करें, सारी चीजों में अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ईस्ट बंगाल कोसो आगे है मोहन बगान से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोहन बगान ने को 4 चांस में दो गेम उन्होंने कन्वर्ट किया और द रिजल्ट इज 2-0। तो अगर गेम ओवरऑल देखेंगे, पासेस की बात करें, बॉल पोजीशन की बात करें, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द डिफरेंस आई थिंक 51-49, सॉरी नॉट 51-49, जस्ट जस्ट अ मिनट, द हाँ 59-41। पोजीशन ईस्ट बंगाल की ज्यादा थी, बट डेफिनेटली आप अगर अपने हाफ में अगर पोजीशन रखते हो, आप 50 या 100% भी अगर रखो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात वही है। तो रिजल्ट। एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग इन योर ओन टेरिटरी, इन योर ओन हाफ, एंड दैट विल नॉट यू नो क्रिएट दैट मच ऑफ प्रेशर ऑन माई टीम। सो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू सी द बॉल इज बींग प्लेड यू नो राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जब तक बॉल मेरे सामने पासेस हो रहे हैं मुझको पसंद है वो। आप 60% ले लो, 70% ले लो, कुछ भी परसेंटेज ले लो, पर अगर आप देखोगे कि जो अटैकिंग थर्ड है वहां पे कितने परसेंटेज बॉल जो मोहन बगान ने खेले और ईस्ट बंगाल, तब आप देखोगे कंपैरिजन ऑलमोस्ट बराबरी का है या फिर मोहन बगान थोड़ा सा आगे है। तो वो जो जोन है, जो पेनिट्रेटिव जोन जो हम लोग बोलते हैं, वहां पे मोहन बगान ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और काफी इफेक्टिव थे और तभी जाके उनको गोल मिला है। गुड हालांकि ईस्ट रिजल्ट बंगाल के गिवन जो एक 19 जब जर्सी नंबर 19 की मैं बात करूं, जे मैगोम, ये है। काफी काफी अच्छे प्लेयर लगे मुझको। इसका परफॉर्मेंस आज पहला मैच था, आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दैट ही विल यू नो परफॉर्म इन अ मच बेटर। बेटर वे एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, क्योंकि इसमें वो काबिलियत है स्कोर करने की, बॉल होल्ड करने की, वो स्ट्रेंथ है और फिर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब में उस वो क्वालिटी है इस प्लेयर में। तो ये प्लेयर आगे चल के टूर्नामेंट में ईस्ट बंगाल के लिए काफी यूजफुल होगा। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, इस बंगाल का नेक्स्ट जो मैच है वो मुंबई सिटी एफसी के साथ में है, तो वो उस टीम के लिए भी इनको प्लानिंग की जरूरत होगी। आज का जो भी एक्सपीरियंस है उससे सीखना होगा, जो भी गलतियां हैं उनसे आगे बढ़ना होगा, और तभी जो नेक्स्ट मैच है उसमें इन्हें रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था, आज का हमारी जो प्री एनालिसिस थी, जो टीम की भी हमने प्रिडिक्शन की थी, मैक्सिमम हद तक वो सही थी। जयेश राणे को हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, पर जयेश राणे फील्ड में आए और उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, और उसके बाद उनको कुछ टाइम बाद सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया था। तो जो भी था, इन ऑल मोहन बगान ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके आज का मैच जीत लिया है, जिसका एक बहुत टाइम से लोगों को इंतजार था, कोलकाता डर्बी के मैच को देखने का। वो आज का दिन तो खत्म होता है, अब अगला मैच किसका होगा, कब ये दोनों आमने सामने होंगे, और अब ये दोनों टीम इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म करेगी आईसीएल आईएसएल में आगे, अब हमें वो देखना है। कल का जो मैच है वो बेंगलुरु एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच का है। सो लेट्स सी कल का जो मैच है वो कैसा होता है। हैदराबाद ने एक मैच जीता है, पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बेंगलुरु भी चाहती है कि वो भी कल का मैच जीते। तो कल के मैच में भी बहुत एक्साइटमेंट होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे 6:30 बजे, जिसमें हम प्री मैच एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा कंपटीशन था, जब आप लोग यहाँ पे हैं, मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि जो आज का हमारा कॉन्टेस्ट था, जिसमें हमने कहा था कि आपको प्रिडिक्शन करना होगा मैच का, उसके विनर का जो हम नेम डिक्लेयर करेंगे, वो कल डिक्लेयर करेंगे जब हम प्री मैच एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और कल के एपिसोड में हम विनर को डिसाइड करके उनका नाम बताएंगे, और फिर उनसे कनेक्ट करके उनके भी उन तक अपना जो गिफ्ट है वो पहुंचाएंगे। तो कल देखिए विनर कौन है, और कल बात करते हैं बेंगलुरु एफसी और हैदराबाद एफसी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए,
और आज का मैच एक्साइटमेंट था, बहुत सारी चीजें थी और आप लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस रखी, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक गुड यू, नाइट। गुड नाइट सर। तो जैसा कि हमने आज बात की एटीके मोहन बगान और एससी ईस्ट बंगाल के बारे में, बेहतरीन मैच था, एक्साइटमेंट, प्रेशर, सब कुछ आज आज उस मैच में था, पूरा देश इंतजार कर रहा था इस मैच का, और जो रिजल्ट निकला वो मोहन बगान 2-0 से जीत गई। अब ये टीम्स आगे कैसा खेलेंगी, आईएसएल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम जब तक आईएसएल चलेगा तब तक प्री मैच एनालिसिस और पोस्ट मैच एनालिसिस करते रहेंगे। आप देखते रहिए मोजो पत्रकार, हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहिए। अपने जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, आपकी फेवरेट टीम होती है, वो हमें लाइव में जरूर बताएं, और देखते रहें मोजो पत्रकार। थैंक यू सो मच।